everybody. Hello, my dear children. I'm C. Rachna Krishwastav. And once again, I am connecting with all of you to reiterate a few important things. अब भाई एग्जाम्स जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं पास. आप में से कई लोगों ने तो अभी बोर्ड एग्जाम्स लिखे होंगे या लिख रहे होंगे. सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स आर अप्रोचिंग फास्टर, सी सी एग्जाम्स अप्रोचिंग फास्टर, और धीरे धीरे जो है पैल्पिटेशंस होने लगते हैं हाई. ये जो ड्यूरेशन होता है ना लास्ट 2 to 3 months का, लास्ट 60 to 90 days आर क्रूशियल फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन. अब जब ये क्रूशियल है तो मैम आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? वेल, मैं इशारा कर रही हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ दैट विल हेल्प यू एनहांस योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. वी ऑल नो जब तक हमारा फोकस जो है वो बहुत अच्छा ना हो, हाई ना हो, जब तक हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स जो हैं वो हाई ना हो, तब तक पढ़ाई को पकड़ पाना, रिटेन कर पाना मुश्किल होता है. राइट, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टडीज एंड प्रिपरेशन, रिटेंशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन रिटेन नहीं कर पाता, मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन भूल जाती हूँ. मेरे पास दिन भर सैकड़ों मैसेजेस ऐसे आते हैं. स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स, वेदर यू आर एन एंट्री लेवल स्टूडेंट, वेदर यू आर एन इंटरमीडिएट, एन एग्जीक्यूटिव लेवल स्टूडेंट, और यू आर अ फाइनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट, आप सभी को ये चैलेंजेस आते हैं. ये हर एक स्टूडेंट का इशू होता है कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन बहुत अच्छा रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ. दोस्तों, लास्ट के 60 to 90 days में यू मस्ट प्रैक्टिस दीज पॉइंट्स. ये 5 हेल्थ टिप्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सभी को कहीं ना कहीं से इनसे सपोर्ट मिलेगा और ये आपके बहुत काम आने वाली है. पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटेन अ हेल्दी डाइट. हम जब हेल्दी डाइट की बात करते हैं, प्लीज इंक्लूड एवरीथिंग इन दैट डाइट. मीन्स वॉट, आपको उसमें ना ऐसे नहीं कि भाई कई बच्चे प्रोटीन के पीछे पड़ जाते हैं, कई ऐसा है कि कार्ब्स जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिले, कई कैफीन इनटेक अपना बढ़ा देते हैं, कई शुगर लेवल्स जो है उसको हाई करने में लग जाते हैं. वेल, अ बैलेंस डाइट मे बी द आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से फाइबर्स, थोड़े से सैलड उसमें इंक्लूड कीजिए और एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए. आपकी मम्मी अगर आपसे कहती है भाई एक प्लेट में फ्रूट्स खा लो या थोड़ा सा सैलड खा लो, आप खाने में आपको हर चीज़, अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल जो खाते हैं आपको उसको प्रोपोर्शन आप थोड़ा सा मॉनिटर कर लीजिए, है ना. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कैफीन इनटेक वगैरह थोड़ा रेगुलराइज कर दीजिए. पढ़ाई के समय ज़रूरत पड़ती है, हम सभी को पड़ती है. जूसेस वगैरह की मात्रा जो है वो थोड़ी सी आप बढ़ा लीजिए. ठीक है, शुगर लेवल्स के हाई करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उसकी जगह कुछ एकाध फ्रूट आप अपने डाइट में ज़रूर जो है इंक्लूड कीजिए. सो इससे आप देखेंगे आपकी बॉडी अगर हेल्दी फील करती है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली हेल्दी फील करता है और वी आर एबल टू फोकस बेटर. वॉट एवर वी आर डूइंग उसमें हमारा रिटेंशन जो है वो सर्टनली इंक्रीज और एनहांस हो जाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, स्टे हाइड्रेटेड. चाहे तो एक पानी का बड़ा सा एक बॉटल, आपने मुझे देखा है, ये देखो एक पानी, पता नहीं ग्रीन स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं, एक बड़ा सा 2 liters का वाटर बॉटल आई ऑलवेज कीप नियर मी. पढ़ाते समय या कई बार मीटिंग्स में बहुत लंबा लंबा समय हो जाता है और ब्रेक हो जाता है कि भाई वाटर इनटेक बॉडी में कम हो जाता है आपके. आप एक छोटा सा ये करके भी देख सकते हैं, अगर आप अपनी फिंगर को ऐसे पकड़ के आप ऐसे करके देखें, देखो मेरा नहीं आ रहा, दैट मीन्स आई एम हाइड्रेटेड. ठीक है, अगर ये आपका पकड़ में आ जाए ना और वो वैसा ही रह जाए, स्किन अगर चिपक रही आपस में, दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स मोर वाटर. तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए. स्टेइंग हाइड्रेटेड मे जस्ट ईज यू मोर देन वॉट यू कैन थिंक, है ना. आप समझ रहे हैं एक बात कि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है ना तो आपको हेडेक नहीं होगा, आप हेल्दी फील करेंगे, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे. डिहाइड्रेशन हमें पता नहीं चलता है बट डिहाइड्रेशन इम्पैक्ट्स यू साइकोलॉजिकली. आप चिड़चिड़ा फील करते हैं, आपको अक्सर बॉडी में या सर में दर्द अगर रहता है तो आप जान सकते हैं कि ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं. ठीक है, पढ़ते समय या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आप एंगेज कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी में आप एंगेज कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल्स हाई हैं तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा आप आउटपुट जो है वो एनहांस कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी, आप बहुत इफेक्टिवली आप जो है अपना फोकस और कॉन्सेंट्रेशन आप वो बढ़ा सकते हैं. ठीक है, सो इसमें हाइड्रेशन लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये चाय कॉफ़ी और दूसरे एडिक्शंस को हम शामिल नहीं करते, अल्कोहल एडिक्शंस इनको हम शामिल नहीं करते. इसमें हम बात करते हैं फ्रेश जूसेस की एंड स्पेशली वाटर. ठीक है, जल ही जीवन है और जल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बेवरेज होता है. हम चाहे किसी भी दूसरे बेवरेज की बात करें, वाटर कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग.
हमारी बॉडी जो है इट इज 70% वाटर. आप समझ सकते हैं कि पानी कितना जरूरी है. और आपका दिमाग शांत रहे, ठंडा रहे, आप फोकस कर सके, इसके लिए भी पानी की मात्रा, सही मात्रा बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये मेजर मुद्दा है मेरे लिए, स्पेशली somebody लाइक मी, गेट इनफ स्लीप. हर 3-4 घंटे में अगर आपकी बॉडी थकावट महसूस कर रही है, अगर आपका दिमाग आपको फटीग फील हो रहा है, अगर आपका दिमाग थक रहा है, छोटा 10 से 15 मिनट का एक नैप ले लीजिए आप. रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती है मैम? रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आप अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड स्ट्रेच कर सकते हैं, ये वाले मूवमेंट्स आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, आप आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच देम आउट, स्ट्रेच देम बैक, आप इस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट्स कर सकते हैं. आईज को आप चारों तरफ घुमाकर ऐसे आप एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी टेक्निक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, खड़े होइए, थोड़ा मूवमेंट करिए, स्ट्रेच बैकवर्ड, स्ट्रेच साइडवर्ड्स, ये सब आप करके छोटे थोड़े थोड़े टाइम पे, हर 2 से 2.5 घंटे में. क्योंकि जब आप बैठते हैं ना, आपका पोस्चर बहुत सफर करता है, आपकी बैकबोन बहुत सफर करती है. आजकल ये प्रॉब्लम कॉमन है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनको बहुत सीरियस, जैसे हम जब CS स्टूडेंट्स की बात करते हैं, आपको सीरियस आवर क्लॉकिंग जो है वो आपके एजेंडा में होती है, रोज की रोज आपको कम से कम पढ़ाई करनी है 10 से 12 घंटे. तो ये टेक्निक्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी बॉडी को आप कहीं ना कहीं केयर कर रहे हैं, है ना. जब किसी चीज की केयर की जाती है तो बेटा वो बेटर आउटपुट देती है हमेशा. आपका शरीर जो है उसको भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, जब हम इतनी सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग आवर बॉडी, वी आर यूजिंग आवर माइंड, सो वी हैव टू केयर फॉर इट. ठीक है, केयर गिवर बनिए. अपने बारे में भी सेल्फ केयर में इंडल्ज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी चीजों के बारे में सोचना. और एक अच्छी नींद, देखो भाई लास्ट के 1 मंथ नींद कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी नींद कम हो जाएगी, 4.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, अभी आपको नहीं करना चाहिए. अभी एटलीस्ट इस पीरियड में आपको 7 आवर्स की स्लीप जो है वो काफी काम करेगी, कारगर साबित होगी. कैसे कारगर? आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो एनहांस हो जाएगी. तो ये आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे लिखिएगा. जब भी आप मेरी कही हुई बातें अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको उससे कोई फायदा होता है, आप मुझे जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कनेक्ट करके आपसे पर्सनली. टेलीग्राम पे आप सभी मुझे ढूंढ सकते हैं, सीएर रचना करे श्रीवास्तव, यू कैन फाइंड मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ठीक, इसके अलावा जो 4th पॉइंट है वो मैंने कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऊपर बोला है, फिर भी इसको स्पेसिफिकली मैं आपके सामने रख देती हूँ. एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मॉनिटर योर एडिक्शंस. दोस्तों क्या होता है ना, स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं, आप में से कई जो है 16-17 ईयर्स से लेकर के 22-23 ईयर्स तक का ये आपका एज ग्रुप होता है, हम जब बैठे रहते हैं हम बैठे रह जाते हैं. कई बार हम टेबल पे ही सरक जाते हैं, उठे, घूमे, थोड़ा सा खाया, फिर बैठ गए, फिर पढ़ने लग गए. अब इसमें बॉडी और माइंड फटीग तो फील करता ही है, साथ में मोनोटनी भी आती है. आपकी बॉडी को भी एक ब्रेक की जरूरत होती है, है ना. आपकी बॉडी को, आपके माइंड को भी थोड़ा सा एक ब्रेक की जरूरत होती है, मोनोटनी को कंट्रोल करने की जरूरत होती है. ये कैसे पॉसिबल है? ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस आप फॉलो कर सकते हैं, उससे पॉसिबल है. आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, जैसे भी एक्सरसाइज आप पसंद करते हैं, छोटे छोटे योगा टेक्निक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, योगा पोस्चर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा छोटी सी वॉक ले ली, आप अपना फेवरेट म्यूजिक अगर आप कुछ सुनना चाहें, छोटी सी 10 मिनट की वॉक, इट कैन हेल्प यू. बहुत ज्यादा एडिक्शंस की जब मैंने बात की, एडिक्शंस आपकी हेल्थ को, आपके फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को भले शॉर्ट टर्म में बढ़ाएं, हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने हेल्प मिले, लॉन्ग टर्म में दिस इज अ बिग टाइम डैमेज टू योर हेल्थ, बोथ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो इसको दोस्तों एक सीनियर की, एक एल्डर की एडवाइस समझ करके लीजिए. आपके पेरेंट्स तो आपको बोलते ही होंगे, बट कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज सीनियर इनफ इन द इंडस्ट्री, हु इज वन ऑफ योर एडुकेटर्स, शायद आपको ये बात ज्यादा मैटर करे. अपने एडिक्शंस को हमेशा वॉच करना, स्मोकिंग वगैरह, एल्कोहल इंडल्जेंस, ये सब हो सकता है थोड़े टाइम के लिए किक दे आपको, बहुत ज्यादा कैफीन इनटेक, हाँ इवन चाय भी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप बार बार कंज्यूम करते हैं तो ये आपको नुकसान देता है लॉन्ग रन में. तो आपको ये सारी चीजें मॉनिटर करनी चाहिए. आप थोड़ा बहुत कॉफी, चाय, ये तो हमको चाहिए क्योंकि भाई हमें पढ़ाई करनी है, देर तक जगना है. वॉशिंग योर आईज रेगुलरली कैन बी अ गुड ऑप्शन. ठीक है, गर्म दूध ले लीजिए, इस समय मौसम जैसा चल रहा है, अगर आप गर्म दूध में थोड़ा सा कुछ हल्दी वगैरह, शहद अगर आप मिला लेते हैं, दैट कैन बी अ बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर टी. आजकल तो वैसे भी चाय के बहुत सारे दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं, ग्रीन टी वगैरह अगर आप चाहें तो आप वो ले सकते हैं, दैट मे बी मोर हेल्पफुल देन एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव लिस्टेड. ठीक है, नाउ 5th हेल्थ टिप फॉर ऑल ऑफ यू टू एनहांस योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स. दोस्तों
एनीथिंग दैट मेक्स अस हैप्पी विल डेफिनेटली हेल्प अस एनहांस आवर आउटपुट. ठीक है, हर वो चीज जो आप पसंद करते हैं करना, जिसको करके आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होता है, आपको अच्छा फील होता है, वो आपको जरूर करनी चाहिए. हर दूसरे दिन कम से कम आपको थोड़ा सा 15 मिनट आधे घंटे के लिए जरूर वो काम करना चाहिए जो आपको तसल्ली देता है, जैसा करके आपको अच्छा लगता है ना. इट कुड बी लिसनिंग टू म्यूजिक, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी वॉकिंग, इट कुड बी मीटिंग विद योर फ्रेंड्स, इट कुड बी एनीथिंग, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, राइटिंग, रीडिंग. मुझे पढ़ना और लिखना बहुत पसंद है, मैं टाइम निकाल के करती हूँ. अगर एक दिन टाइम नहीं भी मिल पाया, नेक्स्ट डे मैं जरूर करती हूँ, अदरवाइज मुझे लगता है मेरा आउटपुट इम्पैक्ट हो रहा है. सो आपको कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी में जरूर एंगेज करना चाहिए. इससे आपका ब्रेन फंक्शन जो है ना वो और ग्राइंड होता है, कहीं ना कहीं वो और पोन होता है. आप अपने आउटपुट को और ज्यादा जो है वो बेटर कर पाते हैं, आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ा पाते हैं. ठीक है, सो जरूर जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम आप उसमें लगा रहे हैं या आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए अपने रूटीन से, स्टडीज से, ऐसा नहीं है. बट स्पेंड सम टाइम ऑन एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. अ हैप्पी यू कैन सर्टेनली फोकस बेटर, कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड हेंस प्रोड्यूस बेटर आउटपुट. ठीक है, सो ये 5 हेल्थ टिप्स का इन कुछ दिनों में 60-90 डेज में जरूर ध्यान रखिएगा और फिर देखिए कैसे आपका जो है पूरा आउटपुट आपका एनहांस होता है और आपकी पढ़ाई की तैयारी जो है वो बेटर से बेस्ट लेवल पे चली जाती है. मुझे लिखिएगा जरूर. टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड आई विल सून कनेक्ट विथ यू ऑल अगेन विथ मोर टिप्स, विथ मोर ट्रिक्स, विथ मोर गाइडेंस. टेक केयर गाइज, डू वेल एवरीवन, लेट्स क्रैक इट.